आज हम एक ऐसी नृत्यांगना के बारे में जानेंगे जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती थी, लेकिन अपनी नृत्य कला से अपार प्रेम के चलते उन्होंने ये पद अस्वीकार कर दिया। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर और राज्यसभा की पहली महिला मनोनीत सदस्य रुक्मणी देवी अरुंडले की। इनका जन्म 29 फरवरी 1904 में मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। रुक्मणी देवी ने महज 16 साल की उम्र में शादी कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया जाते समय शिप में इनकी मुलाकात प्रसिद्ध बैलरीना एना पोवलोवा से हुई और यह उनसे बहुत प्रभावित हुई। रुक्मणी देवी ने जब भरतनाट्यम सीखना प्रारंभ किया था तब इनकी उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। उस समय भरतनाट्यम को अच्छा नहीं माना जाता था क्योंकि इसका अभ्यास ज़्यादातर देवदासी करती थी। रुक्मणी ने भरतनाट्यम के पुनरुत्थान का काम किया और भारत की प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर बन गई। 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रुक्मणी से भारत की राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, लेकिन भरतनाट्यम के प्रति अपने जुनून के चलते उन्होंने यह पद अस्वीकार कर दिया। रुक्मणी देवी की कहानी हमें सिखाती है कि कुछ नया सीखने की